जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। साथ निभाना साथिया। राजकोट में डेंगू के इंदिरा केस पाए गए। आ रोग तो मच्छर काटने से होता है। मारा ठाकुर जी, मतलब मेरी चाल में भी ये बीमारी फैल सकती है। डॉक्टरों ने तो इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, पर इस खबर ने मेरी परेशानी तो दूर कर दी। अब ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ पता नहीं धवल जी, जब से मैंने नाश्ता खाया है उसके बाद से ये वॉमिटिंग। मुझे लगता है कहीं खाने में कुछ। किंजल, मैं किंजल जी की तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। हाँ, हूँ उर्मिला बेन शाह बोलू छू। वो आपने जैसे मुझे कहा था ना कि एक चम्मच, वैसे ही एक चम्मच मैंने नाश्ते में मिला दिया था, पर तबियत पे ज्यादा असर, मेरा मतलब है उल्टी अपने आप बंद तो हो जाएगी ना। वैसे उर्मिला बहन, छोटे बच्चे जब स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो उनका पेट हल्का करने के लिए हम ये मेडिसिन यूज करते हैं। एक बार जब सारा खाना बाहर आ जाए, स्टमक एम्प्टी हो जाए, तभी वॉमिटिंग रुकती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। सुबह से बहुत वॉमिटिंग कर रही है, नहीं क्या हो गया? हाँ, ठीक है, तू डॉक्टर के पास ले जा। हाँ फिर वहीं लेके जा। चल। किंजल को क्या हुआ? अब ठीक से तो बोल नहीं सकती, पर शायद डेंगू हुआ है। डेंगू? छापे में पड़ा था, जीमित लाना, उल्टियां होना, बार बार बुखार आना, ये सारे डेंगू के लक्षण है। अब ये चाल भी तो डेंगू के चपेटे में आ सकती है। रोकथाम करने के बावजूद शहर में तो डेंगू फैल ही गया ना। हाँ, पर हमारा तो घर मार चूहों ने। पर अब हम क्या करेंगे उर्मिला बहन? अब शू बोलू चंद्रकला बहन, अब देखिए आप लोगों को तो पता है ना कि मुझे आप लोगों की कितनी चिंता रहती है, तो इसीलिए अगर इस जानलेवा बीमारी से आप बचना चाहते हैं ना, तो एक ही रास्ता है, वो ये कि आप ये चाल छोड़कर चले जाएं। पर ये चाल छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? हाँ, ये बात तो है, अब नई जगह ढूंढने मुश्किल तो होगी। पर मैं हूँ ना, मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी। एक बात तो बोलनी पड़ेगी, मकान मालकिनों तो उर्मिला बहन जैसी, जो अपने भाड़ोत्रियों को भी अपने परिवार जैसा समझती हैं। बिल्कुल साची बात है। शू, राधा ने बुलाया है, पर शाम आटे कह रही थी उसे हमसे कुछ खास बात करनी है। जरूर उसके मगज में कोई खिचड़ी पक रही होगी और उसने सोचा होगा कि हमने बोला उसे, अरे हम भी पहुंची जाचू। अच्छा,
तो हूँ तो जरूर जाइश और देखूंगी कि वो क्या बोलना चाहती है। नहीं भाभी, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, मुझसे उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। अरे वाह मधुबेन, आज ही के दिवस तो आपने इस राधा राक्षसी को जन्म दिया था, तो अब भुक दो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।